बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स ब्रॉट टू यू बाय ग्रीन जे एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर ज़ैन शमशाद। थोड़ी सी मैं पहले अपने बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जावा में डेवलपमेंट करता हूँ मैं। मोर देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा, जिसमें मैंने मोबाइल एंड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर काम किया हुआ है इन जावा लैंग्वेज। ठीक है, इससे पहले मैंने इन 3 ईयर्स में मैंने एज अ फ्रीलांसर भी काम किया है, जिसमें मैंने लोकल इंटरनेशनल क्लाइंट्स सबको हैंडल किया है। और अभी करंटली दिस इज़ माय सेकंड ऑफिशियल जॉब इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। इससे पहले मैं लाहौर में सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता था। तो मैं आपको ये कोर्स पढ़ाऊँगा। कोर्स की तरफ मूव करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि इसमें आपको इसकी लर्निंग भी करवाई जाएगी और साथ साथ प्रैक्टिस इस तरह से करवाई जाएगी कि आप जो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो साथ साथ अच्छे तरीके से आप बना सकें, और जो रियल टाइम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आप एफिशिएंट और रिलायबल ऐप्स बना सकें। ठीक है जी। तो कोर्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये 6 मंथ्स ड्यूरेशन है कोर्स की। इसमें हम जावा में कोड करेंगे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम कोड राइट करके एप्लीकेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, इसमें फिर आप डेटाबेस यूज़ करेंगे। डेटाबेस यूज़ होता है जो आप जो एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जावा के साथ साथ SQLite और Firestore की 2 डेटाबेस इनको करेंगे। SQLite हम यूज़ करेंगे ऑफलाइन डेटाबेस एप्लीकेशन डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए, और अगर आप ऑनलाइन डाटा सेव करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रही है ऐप की ऐप, तो उसके लिए हम Firestore को यूज़ करेंगे। और इसकी डिवेलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करेंगे, जो कि एक डिवेलपमेंट टूल है। इसके फ्रंट एंड के लिए XML लैंग्वेज होती है, जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, तो वो हम XML में करेंगे। कोर्स की डिवीज़न 5 पार्ट में की गई है, ताकि उसमें आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स करवाई देंगे जो जावा में होंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, जो जावा है वो इसी अप्रोच को फॉलो करती है, तो इसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम विजुअल प्रोग्रामिंग करेंगे। विजुअल प्रोग्रामिंग में हम अपनी एक्टिविटीज़ के डिज़ाइन जो फ्रंट एंड होते हैं वो डिज़ाइन हम करते हैं। ठीक है, फिर हम डेटाबेस पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे कि एप्लीकेशन डाटा किस तरह से स्टोर करवाएगी। उसके बाद भी हम जावा की जो एडवांस क्लासेस है हम उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे उनकी वर्किंग के लिए। तो उसमें फिर हम जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करेंगे जी। तो कोर्स की डिवीजन के बाद मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बता देता हूँ। कोर्स की आउटलाइन में बेसिक्स में हम जावा को जो सिंटैक्स है वो पढ़ेंगे। सिंटैक्स बेसिकली हमने जो कोड लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, वो जो तरीकाकार होता है वो सिंटैक्स होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, तो हम जावा के सिंटैक्स को फॉलो करेंगे जावा कोड करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें बेसिक्स में हम पढ़ेंगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स, लूप्स, अरेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह, ये क्या होते हैं। बेसिक्स में हम ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी बेसिक्स यही चीज़ है। तो हम इन बेसिक्स को कवर करेंगे और जावा लैंग्वेज में जावा सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पर मूव कर जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, इसे हम ओ भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस, इनम, इस तरह के टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करेंगे इसमें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपकी जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें जो आपने कोड वगैरह यूज़ किया हो जाता है उसको रीयूजेबल बना देती हैं, आपकी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, और डिफरेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने विजुअल प्रोग्रामिंग का जो पार्ट इसका डिवाइस किया, उसमें हम इसके फ्रंट एंड जो हम हमारी एप्लीकेशन होती है, आपने देखा होगा फेसबुक का फ्रंट एंड किसी और तरह का, यूट्यूब का थोड़ा डिफरेंट है, तो वो जो आपको नज़र आ रहा है सारा वो फ्रंट एंड होता है, वो हम विजुअल प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि ये किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो उसमें हमें हमारे पास जो XML लैंग्वेज को हम यूज़ करके इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास जो व्यूज़ होते हैं, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, बटन, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स,
इस तरह से आपके पास रिसाइकलर व्यूज़ पेजर्स नेविगेशन जो होती हैं, नेविगेशन आप देखते हैं, आप एप्लीकेशन के लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो एक आपके पास मेन्यू आ जाता है जिसमें से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली वो नेविगेशन होती हैं, इसमें हम साइड नेविगेशन, टॉप नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन वगैरह, जिस तरह यूट्यूब है उसमें बॉटम नेविगेशन है, आपको जो होम, एक्सप्लोर, डाउनलोड्स, लाइब्रेरीज वगैरह के बटन है वो बॉटम पर नज़र आ रहे होते हैं ऐप के। और इसी तरह अगर आप फेसबुक पर देखें तो वो उसकी नेविगेशन होम वाले बटन, वीडियोस वाला बटन टॉप पर होता है। और इसी तरह कुछ एप्लीकेशन है जिनकी आप मेन्यू बार बटन प्रेस करते हैं या कॉर्नर साइड पे होता है अपर साइड पे, तो एक मेन्यू अपीयर हो जाता है, स्लाइड होकर आपके सामने आ जाता है, तो उसको हम साइड नेविगेशन कहते हैं। तो वो दोनों साइडों की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट से भी, स्टार से भी। तो इसको हम इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें लेआउट्स होते हैं हमारे पास, लेआउट्स का इसमें लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, ग्रिड लेआउट है और लेआउट है इस तरह के। तो लेआउट्स क्या होते हैं, हमने जो ऊपर ये व्यूज़ देखे हैं, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, इनकी अरेंजमेंट होती है बेसिकली। तो हम किसी लेआउट को फॉलो करते हैं तो फिर ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उस लेआउट के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो इसके अलावा विजुअल प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं एंड्रॉयड में, फ्रेगमेंट्स हैं, शीट्स हैं, तो ये क्या होती हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम डेटाबेस पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, जब फ्रंट एंड डिज़ाइन हो जाए हमें करना आ जाएगा विजुअल प्रोग्रामिंग में। तो उसके बाद फिर हम डेटाबेस में जो यूज़र डाटा वगैरह एंटर करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन का यूज़र है जो उसको यूज़ कर रहा है उसको हम यूज़र कहते हैं। तो वो जो भी डाटा वगैरह उन्होंने स्टोर कराना होता है, एप्लीकेशन में स्टोर करना होता है, वो डाटाबेस में स्टोर होता है। तो डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस को बनाते कैसे हैं, इसके अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स में कॉलम्स होते हैं, और फिर उस डाटा को गेट करने के लिए, शो करने के लिए, अपडेट डिलीट करने के लिए हमारे पास क्यूरीज होती हैं। तो पहले हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम इन जो हमने डेटाबेस बनाया है उसको हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ लिंक कैसे करना है, किन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है, किन क्लासेस फंक्शंस को यूज़ करके हम इनके एप्लीकेशन के साथ इसकी इंटरेक्शन को पॉसिबल बना सकते हैं, फिर हम जावा में उन क्लासेस की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, जब हमारे ये चार पार्ट्स कवर हो जाएंगे तो फिर हम जावा को जो है वो डीपली एक्सप्लोर करेंगे। उसमें हम उसकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके हमारे पास इवेंट्स आ जाते हैं जिसका कोई भी यूज़र है, लेट्स से वो कोई आपके पास एक साइन अप फॉर्म है उसमें वो इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहा है, तो जब वो साइन अप बटन को प्रेस करता है तो उसने क्या किया, एक इवेंट जनरेट किया। ठीक है, कि वो साइन इन करना चाह रहे हैं, साइन अप करना चाह रहा है, तो वो इवेंट एक कॉल हो रहा है। फिर आपने उस इवेंट को हैंडल कैसे करना है वो हम देखेंगे। इस तरह हमारे पास अरे लिस्ट होती हैं, रैपर क्लासेस टाइप, ये जावा के बिल्ट इन क्लासेस हैं, ये फंक्शनैलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड की। हम देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करती हैं, आपके पास नोटिफिकेशन जो आप होती हैं एंड्रॉयड जो आपकी एप्लीकेशन है हम पढ़ेंगे, वो हम कैसे बनाएंगे, यूज़र को हमने नोटिफिकेशन किस तरह से शो करवानी है। और फिर हमने जो विजुअल प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़, फ्रेगमेंट, शीट्स वगैरह पढ़ी थी, तो हम यहाँ पर उनको एक्सप्लोर करेंगे कि उनमें कम्युनिकेशन कैसे होगी, उनमें डाटा किस तरह से एक्सचेंज होगा, यानी यूज़र है वो साइन अप करके लॉग इन एक्टिविटी पर जा रहा है, लॉग इन करके वो मेन एक्टिविटी पर जा रहा है, तो आपने अगर डाटा सेंड करना है फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, हम कहते हैं जो यूज़र को सामने स्क्रीन एक शो हो रही होती है, जो एक फॉर्म शो हो रहा होता है एक टाइम पे आपको मोबाइल स्क्रीन में, जो आप एप्लीकेशन पर करते हैं उसका जो आपके फॉर्म शो रहता है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है जी, तो जब ये एक्टिव आप जब लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं तो आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, वो फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो हम ये देखते हैं कि वो जो फॉर्म चेंज हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ चेंज हो रही हैं, इसको हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ के टर्म से ही रेफर करेंगे, एंड्रॉयड में इसको मैंशन करते हैं। तो एक्टिविटीज़ जो चेंज हो रही हैं, अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा भेजना चाह रहे हैं, इसमें फ्रेगमेंट्स हैं, तो वो हम उनकी कम्युनिकेशन किस तरह से करवाएंगे, फिर इनके लाइफ साइकिल्स होते हैं कि एक्टिविटी की वर्किंग किस तरह से होती है, और एंड मच मोर लाइक दिस। तो ये सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। इसके एंड पर इंशाल्लाह आप जो आपकी एप्लीकेशन जो होंगी वो रियल टाइम एप्लीकेशन जो होंगी उनको आप प्ले स्टोर पर लॉन्च भी कर सकते हैं और आप क्लाइंट्स के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपका कोर्स था एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आउटलाइन थी आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स की। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव। अगर आप इंटरेस्टेड तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।